मुनि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मन, आपने गंगा जी स्वर्ग से उतरने का समुद्र के भरने की ये बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनी। काम क्रोधादिक शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई संपूर्ण कथा पर पूर्ण विचार करते हुए हम दोनों भाइयों एक रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। वाह, एक रात्रि एक क्षण के समान कथा श्रवण में। विश्वमित्र जी, लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा विचार करते हुए ही मेरी ये सारी रात बीत गई। ये भजन का तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वमित्र जी जब नित्य कर्म से निरुक्त हो चुके, तब शत्रुदमन श्री रामचंद्र जी ने उसे पास जाकर कहा, मुझे ये पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने और सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हमको सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलीला त्रिपद गामिनी नदी गंगा जी के उस पार चले। सदा सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों, ये नाव उपस्थित है, इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षियों को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई ये नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का ये वचन सुनकर विश्वमित्र जी ने पहले ऋषियों से श्री राम लक्ष्मण को पार कराया, तत्पश्चात स्वयं भी उस तट पर पहुँच गए। वहाँ रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया, फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहर कर विशाल नामक पुरी की शोभा देख रहे हैं। तदनंतर राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वमित्र तुरंत उस दिव्य रमणीय नगरी विशाल की ओर चल दिए, जो अपने शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशाल पुरी के विषय में महामुनि विश्वमित्र ने पूछा, महामुनि आपका कल्याण हो, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि विशाल में कौन सा राजवंश रहा राज्य कर रहा है, इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम का ये वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वमित्र विशालपुरी में प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। रघुकुल नंदन, श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालपुरी का वैभव प्रतिपादित करने वाली जो कथा सुनी उसे बता रहा हूँ। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। श्री राम में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे, अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता। इस प्रकार चिंतन करते हुए हम लोग यदि श्री सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवता दैत्य ने वासुकी नाग की रस्सी और मंदराचल की मथनी बनाकर सिर सागर को मथना आरंभ किया। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्य मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहाँ मंदराचल की शिलाओं और अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहाँ अग्नि के समान दहाक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता असुर मनुष्य से संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ कर दिया। ये देखकर देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राही त्राही पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देवदेवेश्वर महाशिव प्रकट हुए। वहाँ शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित थे। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई वो आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं के अग्रगण्य हैं। तो प्रभो, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुई इस विष को आप ही खड़े खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वही अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया। देवताओं की विदा करके वो अपने स्थान को चले गए। रघुनंदन, तत्पश्चात देवता असुर सब मिलकर शिर सागर मंथन करने लगे। उस समय मथनी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया।
तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाभाव, आप संपूर्ण प्राणियों की गति है, विशेषता देवताओं के अवलंबन तो आप ही है, आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठाइए। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप रूप धारण कर उस पर्वत को अपने पीठ पर रखकर श्रीहरि वही समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखरों को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं समुद्र का मंथन करने लगे। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड, दूसरे कमंडल, उसका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं निकली। नरश्रेष्ठ, मंथन करते ही जल में उसके रस से सुंदर स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अप्सरा कहलाई। ककुश, तो उस सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थी उनकी गणना नहीं की जा सकती, वह सब असंख्य थी। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए साधारण सामान्य मानी गई। रघुनंदन, तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभी मान की देवी थी, प्रगट और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। वीर श्रीराम, दैत्य के उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए। सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुरा संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंदमग्न हुए। नरश्रेष्ठ, तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्चस्रवा मणिरत्न कौस्तुभ उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। श्रीराम, उस अमृत के लिए देवता असुरों को कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दीति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो 3 लोक में मोह में डालने वाला था। जब देवता और असुरा का वो सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत कलश का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लेने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। देवता और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों के दीति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्य का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चानोरों से समस्त लोकों का शासन करने लगे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचचत्वारिश सर्ग संपूर्णम्। सियावर रामचंद्र कश्यप के पास बोली, भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या के उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूंगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें। मेरे गर्भ से ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। उसकी ये बात सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दीति को इस प्रकार उत्तर दिया, तपोधने, ऐसा ही हो, तुम सोचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो, तुम ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। यदि पूरे 1000 वर्ष तक पवित्रतापूर्वक रह सकोगी तो मुझ में त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दीति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उसका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वह तपस्या के लिए चली गई। नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दीति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशपल्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। पुरुष प्रवर श्रीराम, दीति की तपस्या करते समय सहस्र लोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त ही वो उनकी सेवा टलन करने लगे। सहस्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दीति की दिए लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अनन्य अभिलषित
वस्तुओं को ला ला कर देते थे। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते, ऐसी अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा ही हर समय दीति की परिचर्या करते थे। रघुनंदन, जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए, तब एक दिन दीति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्र लोचन इंद्र से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए, तुम्हारा भला हो। 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाइयों को देख सकोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वो जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी, तुम्हारे प्रति उस वैर भाव से रहित तथा भातृस्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उससे साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चित होकर भोगना। सूर श्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना का करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया। ऐसा कहकर दीति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दीति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी, सिर झुक गया, केस पैरों से ला लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। उन्होंने अपने केशों को पैरों पर डाल रखा था, सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया। ये देखकर दीति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। फिर श्री राम, सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दीति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। श्री राम उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इसके दीति की निद्रा टूट गई, वो जाग कर उठ बैठी। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा कि भाई मत रो, परंतु महा तेजस्वी इंद्र के रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। उस समय दीति ने कहा, इंद्र बच्चों को न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उधर से निकल आए। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दीति से कहा, देवी तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यदि छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालकों के 7 टुकड़े कर डाले, इसलिए माँ तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 44 सर्ग संपूर्णम्। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दीति को बड़ा दुख हुआ। वह दुर्धर्ष वीर सहस्राक्ष इंद्र से अनयपूर्वक बोली, देवेश बलसुदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्वक कर्म किया, वो तुम्हारे और मेरे लिए ही जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, ऐसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वो 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदगणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाए। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वात्स्कंद है, उनमें विचरे। ऊपर जो 7 मरुद बताए गए, वो 7 गण है। इस प्रकार 49 मरुद समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है, वो ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक विचरण करे, तथा तीसरा महायशस्वी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो, अंतरिक्ष में बहे। सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे से 4 पुत्र गण तुम्हारी आज्ञा से समयानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे रखे हुए नाम से तुमसे जो माँ रुद्र कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी माँ रुद्र इस वाक्य से सबके सब मारुत कहलाएंगे, मारुत नाम से ही प्रसिद्ध होंगे। दीति का यह वचन सुनकर बल दैत्य को मारने वाले सहस्त्राक्ष इंद्र के हाथ जोड़कर ये बात कही, माँ तुम्हारा कल्याण हो, तुमसे जैसा कहा
है वही सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं। तुम्हारे पुत्र देवरूप होकर विचरेंगे। श्री राम उस तपोधन में ऐसा निश्चय करके दोनों माता पुत्र दिति के और इंद्र कृतकृत्य स्वर्ग लोक को चले गए, ऐसा हमने सुन रखा। ककुस्त, यही है वो देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तप सिद्ध दिति की परिचर्या की थी। पुरुषिया, पूर्व काल में महाराज इश्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुपाश के गर्भ से हुआ। उन्होंने इस स्थान पर विशाल नाम की पुरी बसाई है। श्री राम विशाल के पुत्र का नाम हेमचंद्र, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। राम सुचंद्र के पुत्र ध्रुमाक्ष और ध्रुमाक्षों के पुत्र संजय हुए। संजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाश्व था। कुशाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र ककुस्त नाम से विख्यात हुए। काकुस्त के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध है, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर है, वही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराज इश्वाकु के प्रसाद से विशाल के सभी नरेश दीर्घायु महात्मा पराक्रमी परम धार्मिक होते आए। नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यही सुखपूर्वक शयन करेंगे, फिर कल प्रातःकाल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक के दर्शन करोगे। सुमति, विश्वामित्र जी को पुरी में समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आए। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। उनसे इस प्रकार का, मुने मैं धन्य हूँ, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिए। इस समय मुझे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्त चत्वारिंश सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की जय। वहां परस्पर समागम के एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, ब्रह्मन आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह के गति समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते। ये दोनों तलवार तरकस धनुष धारण किए हुए अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते विवाह अवस्था में निकट आ पहुँचे। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार देवी इच्छावश देव लोक के पृथ्वी पर आ गए हो। मुने, ये दोनों किसके पुत्र है, कैसे किस लिए यहाँ पैदल आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, इस प्रकार दोनों कुमार इन देश को सुशोभित कर रहे। शरीर की ऊंचाइयाँ, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा बोलचाल, ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले दोनों नर श्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए, ये मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। सुमति का ये वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों का वध प्रसंग यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथियों के रूप में आए हुए दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर पाकर ये दोनों रघुवंश कुमार वहाँ एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु कहकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान ये कैसा स्थान है, जो देखने में तो आश्रम जैसा है किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते। मैं सुनना चाहता हूँ कि पहले आश्रम किसका था। रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, रघुनंदन पूर्व काल में जिस महात्मा का आश्रम था, जिन्होंने क्रोध पूर्वक उसे शाप दिया, उनका ये इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ,
तुम यथार्थ पूर्वक उसको सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में ये महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करने थे। उन्होंने बहुत वर्ष तक यहाँ तप किया। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वह अहिल्या से इस प्रकार बोले। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाली प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता। रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उसके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार किया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप और आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा कि सुंदरी मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसा आया था उसी तरह चला जाऊंगा। श्री राम इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावले के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगा। इतने में उन्होंने देखा देवता और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ से समिधि लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे थे। उनका शरीर तीर्थ के जल से भिगा हुआ और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छाया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोज भर कहा, दुर्मते तूने मेरा रूप धारण करके ये न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोश से रहित हो जाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहने पर सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र के इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी तू भी यहाँ कई हजारों वर्ष तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई रात में पड़ी रहेगी, समस्त प्राणियों में अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुँचकर अपना पूर्ण शरीर धारण कर लेगी। अपनी दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम आश्रम को छोड़कर चले गए। सिद्ध तथा चारणों से सवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्ट चत्वारिंश सर्ग संपूर्णम्। इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए, उनके नेत्रों से त्रास छा गया। वो अग्नि आदि देवताओं सिद्ध गंधर्व और चाणूर से इस प्रकार बोले, देवताओं महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया, ऐसा करके मैंने ये देवताओं का कार्य सिद्ध किया है। मुनियों क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया, अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया, इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो देवताओं का राज्य भी छीन लेते, अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चानरगण मिलकर मुझे अंडकोश युक्त करने का प्रयत्न करो। इंद्र का यह वचन मरुद्गुणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्य वाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण ये आपका भेड़ा अंडकोश युक्त है, इस अंडकोश रहित कर दिए गए, अतः इस भेड़े को दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा, अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे उन्हें आप लोग उसका दान का उत्तम
एवं पूर्ण फल प्रदान करना। अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोश को उखाड़ कर उसके इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। ककुस्तनंदर श्री राम तभी से वो आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़े को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं और उनके दान जनित फलों को भागी बनाते हैं। रघुनंदन उसी समय महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़े के अंडकोश धारण करने पड़े। महातेजस्वी श्री राम अब तप तप पुण्यकर्मी महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और देव रूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र का ये वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। जहाँ जाकर उन्होंने देखा माँ सौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या में देदीप्यमान हो रही थी। इस लोक में मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहाँ आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्नों से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामय सी प्रतीत होती थी। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थी। वले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दीर्घश प्रभा से समान दृष्टि गोचर होती थी। गौतम के शाप और श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोक में किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब उनकी सबको दिखाई देने लगी। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों को स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या से बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथियों के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वो आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्व तथा अप्सराओं के द्वारा महान उत्सव मनाया गया। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तप शक्ति के विशुद्ध स्वरूप से प्राप्त हुई। ये देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ कर दी। महामुनि गौतम की ओर से विधिपूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी चले गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकण्डे 51 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के कहा कि महाभाग महात्मा जनक के यहाँ यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देश के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे थे। वेदों के स्वाध्याय शोभा पा रहे थे। महर्षियों के बाड़े छेकड़ों छेकड़ों से भरे दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग भी ठहरे। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहाँ पानी का सुभिता था। अनिध्य उत्तम आचार विचार पाल नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं तब वे विनीत भाव से अपने स्वागत करने को चल दिए। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा रुतिचुव भी शीघ्रतापूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की पूजा ग्रहण करके मुनि के उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति में विषय में जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे उनको भी कुशल मंगल पूछने पर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ सभी महर्षियों के यथायोग्य मिले। उनके बाद राजा जनक के मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप इस मुनीश्वर के साथ आसन पर विराजमान होंगे। ये बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित ऋतिज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथायोग्य आसनों पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात राजा जनक के विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान
आज देवताओं ने मेरे यज्ञ का आयोजन सफल कर दिया। आज पूज्य चरणों के दर्शनों से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्रह्मन, आप मुनियों में श्रेष्ठ है। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। ये मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। ब्रह्मन, महर्षि ऋतिजु का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए, अतः कुशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिए। मुनिवर, विश्वमित्र से ऐसा कहने पर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, महामुनि आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयु धारण करने वाले ये दोनों ही वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते, प्रफुल्ल कमल दल से समान सुशोभित है, तलवार तरकश धनुष धारण किए हुए अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमार भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवन अवस्थाओं में प्रवेश किया, जो स्वेच्छा अनुसार देवलोक से उतर कर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र है, यहाँ कैसे, किसके लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते, उसी प्रकार है अपनी उपस्थिति इस देश को उपेक्षित कर रहे। ये दोनों एक दूसरे को बहुत मिलते जुलते हैं। इनकी शरीर की ऊंचाई या संकेत चेष्टा है प्राय एक सी है। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय और वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। महात्मा, जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वमित्र जी ने कहा कि राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनके बाद उन्होंने दोनों ने सिद्धाश्रम में निवास राक्षसों का वध बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालपुरी में दर्शन, अहिल्या का साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में ये बताया कि आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। महात्मा, राजा जनक से बात सब निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वमित्र चुप हो गए। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकंडे 50 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महातेजस्वी महातपस्वी शतानंद जी के शरीर से रोमांच हो आया। वो गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। श्री रामचंद्र की दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। उन्होंने दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देखा। चितानंद ने मुनिश्रेष्ठ विश्वमित्र जी से पूछा, मुनिवर, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी, क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहिल्या के वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजने श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया? महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वो प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? मुनि श्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि से प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? कौशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया? क्या महात्मा की पूजा ग्रहण करने से महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? विश्वमित्र जी, क्या यही आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिताजी का शांत चित्त से अभिवादन किया? शतानंद का ये प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वमित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली थी। बुद्धिमान विश्वमित्र की ये बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने श्री रामचंद्र से ये बात कही, नरश्रेष्ठ आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अवभाग्य जो आपके किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वमित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। महर्षि विश्वमित्र के कर्म अचिंत्य है। ये तपस्या से
ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए और इनकी कांति असीम है और महातेजस्वी है। मैं इनका इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हितेशी है। श्री राम, इस पर पृथ्वी पर आपने आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष कोई नहीं है, क्योंकि कुशिकानंद और विश्वामित्र आपके रक्षक है, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैं महात्मा कौशिक के बल स्वरूप को यथार्थ वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे ये बात सुनिए। ये विश्वामित्र पहले तक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधने में तत्पर रहते थे। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। वो प्रजापति के पुत्र थे। कुशी के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वो बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ ने पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। इन्हीं गाधी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। एक समय की बात, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरणने लगे। वो अनेक नगरों में, राष्ट्र, नदियों, बड़े बड़े पर्वत, आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुँचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं से, वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु सब और फैले हुए थे तथा सिद्ध और चानर आश्रम में निवास करते थे। देवता, दानव, यक्ष, किन्नर उनके शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहाँ भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषि और देवताओं के समुदाय उनका सेवन करते थे। तपस्या से सिद्ध अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा, ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम पर भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था, कोई हवा पीकर, कितने महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर, राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि मुनि जप होम से लगे रहते थे। वाल खिल्य मुनिगण तथा अनन्य वैखानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजय वीरों ने श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र से उनका दर्शन किया। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकंडे 150 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। विनयपूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए, तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधिपूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ जी ने आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र के उनका तप, अग्निहोत्र, शिष्यवर्ग, लता आदि कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ ने उस नपश्रेष्ठ सबके सकुशल होने की बात बताई। फिर जप करने वाले श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, राजन, तुम सकुशल हो, धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्मपूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति से प्रजा वर्ग का पालन करते हो? शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भृत्यों को अच्छी तरह से भरण पोषण किया? क्या वो तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पाली? शत्रुओं का संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना, कोष, मित्रवर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल है? तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। तत्पश्चात दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एकाएक दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। रघुनंदन बातचीत करके पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हस्ती हुए से इस प्रकार का, महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी सेना का यथायोग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्नपूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है।
तथा मेरे द्वारा दिए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। वशिष्ठ का ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। भगवान आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फल मूल पाद्य और आचमनी आदि वस्तुओं से मेरा भलीभांति आदि सत्कार हुआ। सबसे बढ़कर जो आपके दर्शन हुए इसी से मेरी पूजा हो गई। महाज्ञानी महर्षि आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं। आपने मेरा भलीभांति पूजन किया, आपको नमस्कार है। अभी यहाँ से जाऊंगा, आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। तब गादिनंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनिवर आप मेरे पूज्य हैं, आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। राजा का ऐसा कहने पर जप करने वाले श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने उस चित्तकबरी होम धेनु को बुलाया जिसके पाप अथवा मैल धुल गए थे, वो काम धेनु थी। उसे बुलाकर ऋषियों ने कहा, शबलो शीघ्र आओ, मेरी ये बात सुनो। मैंने सेना सहित इस राजर्षि का महाराज को योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। षडरस भोजनों में से जो जो पसंद हो उनके लिए वो सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य काम धेनु आज मेरे कहने से इस आतिथ्यों के लिए अभिष्ट वस्तुओं को वर्षा करो। शबलो सरस पदार्थ अन्न पान लिह चटनी आदि चोष्य संयुक्त भाती के अन्न को ढेर लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो, शीघ्रता करो, विलंब न होने हो पावे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि के वे बालकंडे द्विपंचाश संसर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शत्रु सुदन महर्षि वशिष्ठ का ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसे वैसे ही सामग्री जुटा दी। इख मधु लावा मेरे श्रेष्ठ आसव पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वतों के सदृश ढेर लग गए। मिष्टान्न और दाल भी तैयार हो गई। दूध दही घी को भी नहरे बन चली। भांति भांति के सुस्वादु रस खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी के सहस्त्र थालियां सज गई। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र की सारी सेनाओं को लोगों को भलीभांति तृप्त किया। उस सेना के बहुत से हृष्ट पृष्ट सैनिक थे, सबको वो दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतपुरी के रानियां ब्राह्मण और पुरोहितों के साथ बहुत सी हृष्ट पृष्ट हो गए। अमात्य मंत्र और भृत सहित प्रजित हो वो बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी ने इस प्रकार बोले, ब्राह्मण आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भलीभांति स्वागत सत्कार किया। बातचीत करने में कुशल महर्षि मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान आप मुझे 100,000 गौवे लेकर ये चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये गो रत्नरूप चितकबरी गाय और रत्न लेने का अधिकार राजा का होता है। ब्राह्मण मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे ये शबला गौ दीजिए, क्योंकि ये धर्मता मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र का ऐसा करने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं को दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 100,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में शबला गौ को नहीं दूंगा। ये मेरे पास से ही अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनुष्य पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार ये सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गो मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह करने इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र बलि होम स्वाहा वशट कर भांति की विद्या इस कामधेनु से ही अधीन है। राजर्षि मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं। मैं सच कहता हूँ, ये गौ ही मेरा सर्वस्व है, यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाले हैं। राजन बहुत से ऐसे कारण हैं जिसमें बाध्य होकर ये शबला गौ आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी का ऐसा कहने पर
बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, मुने मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिसके कसने वाले रस्से गले के आभूषण और अंकुश भी सोने से बने होंगे, उस सबसे वह हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इसके सिवा मैं 800 स्वर्णमय रथ प्रदान करूँगा जिसमें शोभा के लिए सोने के घुंघर लगे होंगे। हर एक रथ में 4-4 सफ़ेद रंग के घोड़े होते हुए तथा अच्छी जाति और उत्तम देश के उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपके सेवा में अर्पित करूँगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गवे भी दूंगा, परंतु ये शबला गौ मुझे दीजिए। द्विज श्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न स्वर्ण लेना चाहिए वो सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु ये चितकबरी गाय मुझे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्रों को ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन मैं चितकबरी गाय तुम्हें किस तरह भी नहीं दूंगा। ये मेरी रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन मेरे दर्श पौर्णमास प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म ये गौ ही है, इसलिए ही मेरा सब कुछ निर्भर है। नरेश्वर मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसे संशय नहीं। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकंडे द्वि पंचाशदर्ग समम पूर्णम सियावर राम कृष्ण कृष्ण।